मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुभद्रा शर्मा. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ग्रामर सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 4th. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विच लेसन, लेसन नंबर 13. विच लेसन? लेसन नंबर 13. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. व्हाट इज द नेम? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर एंड वन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वीडियो इज ऑल्सो ओवर. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज का वीडियो आपने देख चुके हो, तो एक्सरसाइज बी का वीडियो हम देखेंगे. सो टूडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज बी ऑफ टेक्स्ट बुक. सो पेज नंबर 73. ओपन इट इन योर टेक्स्ट बुक. अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 ओपन करो बेटा फास्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट वर्ब्स टू मेक देम एग्री विथ द सब्जेक्ट. आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कैसे? विथ राइट वर्ब्स टू मेक देम एग्री विथ द सब्जेक्ट. वो अभी हमने सीखा ना, एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में. तो वैसे यहाँ पे कुछ रॉन्ग आपको ऑप्शंस दे रखे, एक राइट और एक रॉन्ग है, तो उसमें से आपको राइट को चूज करके लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नंबर वन. नंबर वन सेंटेंस हम देखेंगे पहले. द क्वीन ब्लैंक ए मैजिक मिरर. द क्वीन ब्लैंक ए मैजिक मिरर. तो आपको ब्रैकेट दिया हेज और इच. ब्रैकेट में आपको क्या दिया बेटा? हेज और इच. तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? इच. राइट आंसर क्या आएगा? इच. क्यों? क्योंकि हेज कब आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, तो आप इसमें क्या यूज करोगे? इच. तो राइट आंसर क्या आएगा? द क्वीन इज ए मैजिक मिरर. ओके, तो ब्लैंक में आप क्या लिख रहे हो? इच. आई एस इच. सेकेंड नंबर, ही ब्लैंक इंटेलिजेंट. तो आपको ऑप्शंस दिए आर या इच. तो राइट आंसर क्या आएगा? आर तो नहीं आएगा, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म है. ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म. तो सिंगुलर फॉर्म के साथ में वर्ब भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म. यही होता है ना सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर. तो आर तो प्लूरल है, तो वो नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? इच. तो आप क्या लिखोगे? आई एस इच. डन. थर्ड नंबर, अमृता ब्लैंक ए ब्यूटीफुल नोटबुक. तो अमृता के पास एक ब्यूटीफुल नोटबुक है. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं हेज या हेव. तो हेज हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ में. एच ए एस हेज वी यूज विथ सिंगुलर फॉर्म. एंड एच ए वी ई हेव वी यूज विथ प्लूरल फॉर्म. सो हियर अमृता इज सब्जेक्ट, और अमृता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. ओनली वन गर्ल इज देयर ना, अमृता ओनली वन गर्ल इज देयर. सो हियर दिस इज सिंगुलर फॉर्म. तो सिंगुलर के हम के साथ क्या यूज करेंगे? हेज. वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ हेज? एच ए एस हेज. सो हियर वॉट यू विल राइट? एच ए एस हेज. तो अमृता हेज ए ब्यूटिफुल नोटबुक. ओके, लिखा आपने. नाउ फोर नंबर, द किड्स ब्लैंक इम्पोर्टेंट टू देयर पेरेंट्स. आपको ऑप्शन दिए इच या आर. जो किड्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए. उनके पेरेंट्स के लिए किड्स क्या होते हैं? बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं. तो आपको ऑप्शन इच या आर दिया है. इच हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, एंड आर वी यूज विथ प्लूरल फॉर्म. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? किड्स. द किड्स. किड्स क्या है? प्लूरल फॉर्म. किड्स क्या है? प्लूरल फॉर्म. तो प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ में आप वर्ब भी प्लूरल फॉर्म लोगे. तो इज तो सिंगुलर, तो वो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? आर. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ब्लैंक में? आर. ए आर ई आर. ओके, इज सिंगुलर के नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पे किड्स है. ओके, नाउ फाइव नंबर. फाइव नंबर में क्या है बेटा? द बटरफ्लाइज वर सीटिंग ऑन द फ्लावर्स. अब यहाँ पे हमको ऑप्शंस में क्या दिया है? वर या हेज. ऑप्शन में ब्रेकर दिया ना, वर या हेज. तो यहाँ पे वर किसका होता है? पास्ट टेंस का होता है, और वो भी प्लूरल के साथ में. और हेज और हेव किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. तो ये सेंटेंस किसका है?
द बटरफ्लाई ब्लैंक सीटिंग ऑन द फ्लावर्स। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस का तो दिख नहीं रहा है क्योंकि सीटिंग है, वर्ब में क्या लिखा है सीटिंग, तो ये परफेक्ट टेंस का नहीं है। तो ये किसका हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो इसमें क्या आएगा, वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, यहाँ पे सब्जेक्ट बटरफ्लाईज है तो बटरफ्लाईज प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ में क्या आएगा, वेयर। तो द बटरफ्लाईज वेयर सीटिंग ऑन द फ्लावर्स। ओके, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर क्या है बेटा, आई ब्लैंक एंड आइसक्रीम। तो ऑप्शन दे रखे हैं वॉन्ट या वॉन्ट्स, ऑप्शन क्या दिए हैं, वॉन्ट या वॉन्ट्स। तो आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, मैं चाहता हूँ एक आइसक्रीम। तो यहाँ पे आई सिंगुलर फॉर्म है तो उसके साथ में क्या आएगा, वॉन्ट, आई के साथ में क्या आएगा, वॉन्ट। सेवन नंबर, यू ब्लैंक फ्री टू लीव दिस रूम, यू आर फ्री टू लीव दिस रूम, तुम फ्री हो टू लीव दिस रूम, इस लीव को लीव करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में इज या आर है, तो इज सिंगुलर के साथ में आता है और आर प्लूरल के साथ में आता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू आर फ्री टू लीव दिस रूम, तो यू सिंगुलर भी होता है बेटा और प्लूरल भी होता है ना। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि यू इज तो नहीं आता है, यू के साथ में क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आर, ए आर ई आर, यू आर फ्री टू लीव दिस रूम। ओके, नाउ आई एंड रवि ब्लैंक गोइंग टू मार्केट, ऑप्शन दिए हैं आर या इज। तो यहाँ पे टू पर्सन है, सब्जेक्ट में क्या दिया है, आई एंड रवि, आई मीन मैं, और दूसरा पर्सन कौन है, रवि। तो मोर देन वन पर्सन हो गए तो ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। तो प्लूरल फॉर्म के साथ में आप क्या यूज करोगे, आर, इस तो सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज करते हैं ना बेटा। तो हियर व्हाट यू विल राइट, आर, ए आर ई आर। ओके, नाइन नंबर, यू ब्लैंक नॉट हैव ए वाइट पेयर ऑफ सॉक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, डू या डज, क्या आएगा, डू या डज। तो स्पेलिंग ऑफ डज, डी ओ ई एस, डज होता है, एंड डू की डी ओ डू होता है। तो यू डू नॉट हैव ए वाइट पेयर ऑफ सॉक्स, तो यहाँ पे डज नॉट नहीं आता है, यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट। तो यू डू नॉट, तो यहाँ पे ब्लैंक में आप डी ओ डू लिखोगे। ओके, नाउ टेन नंबर, दे ऑल ब्लैंक गोइंग टू द पिकनिक, दे ऑल ब्लैंक गोइंग टू द पिकनिक। तो आपको ऑप्शन दिए इज और आर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे ऑल, वो सभी, ऑल मीन सभी, तो यहाँ पे सभी यानी कि लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म के साथ में क्या आता है, आर, क्योंकि इस तो सिंगुलर फॉर्म के साथ में आता है ना। तो व्हाट यू विल राइट इन द ब्लैंक, आर, ए आर ई आर। तो राइट आंसर इज दे ऑल आर गोइंग टू द पिकनिक। ओके, सो हियर आवर 1 to 10 इज ओवर ऑफ एक्सरसाइज बी। ओके, तो आपने भी लिख लिया, गुड। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज सी। नाउ व्हाट इज द एक्सरसाइज सी, रीराइट द सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग करेक्शंस इन देम। रीराइट करना है, रीराइट करना मीन वापस लिखना है सेंटेंसेस को, कब, आफ्टर करेक्शंस इन देम, यानी कि उसके अंदर कुछ करेक्शंस करने हैं और उनके बाद में हमको वापस लिखना है, यानी कि कुछ इनकरेक्ट थिंग है उसको पहचान के हमको करेक्शन करके वो सेंटेंस वापस लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, द स्टूडेंट्स वर गिवन इन द टेस्ट, द स्टूडेंट्स वर गिवन द टेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या इनकरेक्ट लग रहा है, स्टूडेंट्स वर गिवन, दे चुके थे, गिवन क्या बात है, गिव, गेव, गिवन, ये परफेक्ट टेंस में आता है थर्ड फॉर्म, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये तो वर्ड लिखा है यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, डब्ल्यू ई आर ई लिखा है यानी कि कौन सा सेंटेंस है, पास्ट टेंस का, और यहाँ पे गिवन दिया है जो परफेक्ट टेंस में आता है, तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या चीज़ रॉन्ग है, गिवन, तो आपको गिवन को अंडरलाइन करना है, हमें सिर्फ जो अंडरलाइन रॉन्ग है ना उसी को ही आपको बताऊंगी, गिवन को अंडरलाइन करके आपको बताया है कि ये रॉन्ग है, तो आप इसको राइट करके क्या लिखोगे, द स्टूडेंट्स वर गेव द टेस्ट, पास्ट टेंस क्या होता है गिव का, गेव, फर्स्ट होता है गिव, पास्ट टेंस होता है गेव, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, गिवन,
GIVER, तो इसमें गिवन दिया था, तो दिस वन इज रॉन्ग। तो राइट क्या लिखना है आपको, गेव, GAVE, गेव। तो बाकी का पूरा सेम टू सेम लिखना है, द स्टूडेंट्स वर गेव द टेस्ट, डन। गिवन की जगह गेव लिखना है, ओके। नाउ सेकंड नंबर, हैज यू कंप्लीटेड द वर्क, हैज यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुमने कंप्लीट कर लिया अपना वर्क। तो यहाँ पे क्या रॉन्ग लग रहा है, हैज, यू के साथ में हैज नहीं आता है, तो आप क्या लिखोगे, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। हैज को आपको हटा के क्या लिखना है, हैव, एंड हैव की स्पेलिंग तो आपको पता है, HAVE, हैव। तो हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, और क्वेश्चन मार्क बिको दिस इज ए क्वेश्चन, तो लास्ट में क्या पुट कर देना है, क्वेश्चन मार्क, ओके। सेकेंड नंबर लिखा बेटा आपने। थर्ड नंबर, आई रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली, आई रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली, मैं रीड करता हूँ न्यूज़पेपर डेली। तो यहाँ पे देखो रीड्स लिखा है जो रॉन्ग है, आई सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन उसके साथ में कभी भी वर्ड में एस या ई एस एड होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रीड को रीड्स कर दिया है। तो आप यहाँ पे राइट क्या लिखोगे, आई रीड ए न्यूज़पेपर डेली, रीड्स को हटा के, यानी कि रीड्स में एस हटा के सिर्फ रीड लिखना है, तो आई रीड ए न्यूज़पेपर डेली। और दिस इज ए सेंटेंस, तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हाट यू विल पुट, फुल स्टॉप, ओके। तो थर्ड में आपने क्या चेंजेस किया, रीड्स को रीड कर दिया, एस हटा दिया, ओके। फोर नंबर, अब फोर नंबर क्या है, सी प्ले विथ हर डॉग इन द पार्क, वह प्ले कर रही है डॉग के साथ इन द पार्क के अंदर। तो यहाँ पे क्या रॉन्ग है, सी प्ले, तो सी सब्जेक्ट है, तो सी क्या है, सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर फॉर्म में हम वर्ब के साथ में एस या ई एस को ऐड करते हैं, तो सी प्ले, यहाँ पे प्ले लिखा है तो वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी प्लेज, प्ले की जगह क्या आएगा, प्लेज। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, सी प्लेज विथ हर डॉग इन द पार्क, प्ले को हटा के प्लेज कर देना, PLAYS, ओके। इतना चेंजेस करना है, प्ले को हटा के प्लेज कर देना, बाकी पूरा सेम टू सेम, ओके। नाउ फोर नंबर, फोर नंबर क्या है बेटा, सी प्ले, ये तो हमारा हो गया। नाउ फाइव नंबर, अभी हमने प्ले का प्लेस किया ना, फाइव नंबर, डिड यू विसेज हर, डिड यू विसेज हर, तो यहाँ पे यू, क्या तुमने उसको विश किया, तो यहाँ पे यू प्लूरल वाला है, क्या तुमने उसको विशेज किया, तो विशेज नहीं आएगा, तो यहाँ पे ई एस फॉर्म को हटा देना है। तो आप क्या लिखोगे, डिड यू विश हर, विशेज को हटा के क्या लिखना है, विश, क्योंकि ये यू कौन सा है, प्लूरल फॉर्म वाला है। तो आप क्या लिखोगे राइट आंसर, वी डिड यू विश हर, ई एस हटा देना है, ओके। और दिस इज ए क्वेश्चन, तो एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस व्हाट यू विल पुट, क्वेश्चन मार्क। सिक्स नंबर, वॉट आर द टाइम, वॉट आर द टाइम, ये रॉन्ग है ना, वॉट इज द टाइम, ये तो सिंपली आप भी पूछते हो ना, दिस इज सिंपली सेंटेंस ना, तो वॉट आर द टाइम, एक सिंगुलर बात हो रही है कि टाइम क्या हुआ है, तो यहाँ पे आर रॉन्ग है, प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करेंगे, आप क्या यूज करोगे, वॉट इज द टाइम, टाइम क्या है, है ना, क्या टाइम हो रहा है ना। तो यहाँ पे आर की जगह आप क्या लिखोगे, इच, और दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, तो एट द एंड यू विल पुट, क्वेश्चन मार्क, ओके। आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या लिखोगे, इच, और इच की स्पेलिंग तो आपको सबको आती है, आई एस इच लिखा, व्हाट इज द टाइम। सेवन नंबर, ही ट्रिम हिज बियर्ड, वो ट्रिम कर रहा था अपनी बियर्ड को, तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट, और वो भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या होता है, वर्ब के साथ में एस या ई एस को ऐड करते हैं, तो हियर ट्रिम, आपको सिर्फ ट्रिम दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, ही ट्रिम्स हिज बियर्ड, ट्रिम के आगे क्या ऐड कर दोगे, एस, तो स्पेलिंग क्या बनेगी, टी आर आई एम एस, ट्रिम्स, ही ट्रिम्स हिज बियर्ड, वो ट्रिम कर रहा था अपनी बियर्ड, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे आपको एस या ई एस ऐड करना है वर्ब के आगे, तो ट्रिम का ट्रिम्स। सेवन नंबर फिनिश हो गया बेटा आप लोगों का, गुड। नाउ एट नंबर, एट नंबर क्या है, ही हैव डन हिज वर्क, ही हैव डन हिज वर्क, तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट, और ही सिंगुलर फॉर्म होता है, तो उसके साथ हैव आप यूज कर सकते
नहीं हो, क्योंकि हैव प्लूरल के साथ में यूज होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे हैव की जगह हैज। तो ही हैज डन हिज वर्क एंड एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस व्हाट यू विल पुट फुल स्टॉप, बिकॉज दिस इज ए सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक थी, हैव लिखा हुआ था, तो हैव को हटा के हमने क्या कर दिया हेज, क्योंकि ही सिंगुलर फॉर्म होता है ना, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ में हम हेज यूज करते हैं, हेव प्लूरल के साथ यूज करते हैं, तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ हमने क्या यूज किया हेज। ओके, सो हियर आवर एक्सरसाइज सी इज ऑल्सो ओवर। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन टूडे योर एक्सरसाइज बी एंड सी इन योर टेस्ट बुक। ओके, दिस इज योर होमवर्क। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो वेरी मच। थैंक यू।